दोस्तों, आज सुनिए ये दर्द भरी कहानी अभिशाप। फ़ोन की घंटी बज रही थी। रोहित ने घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एक औरत रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया। रोहित को तो काटो तो खून नहीं, रात तो मौसी से बात हुई थी, बेहद दुखी और हताशी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में वही बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत दर्द था उनके, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम को घर आकर आराम से बात करूँगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागा हुआ। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे, 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो बात सुनकर सांप सा सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। मौसी उसकी माँ की बहुत ही लाडली बहन थी, उनसे 6 साल छोटी थी वह। रोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया रोहित। माँ ने बताया था कि जब मौसी पैदा हुई थी तो सबको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। घर में कोहराम सा मच गया, कोई शगुन नहीं हुआ था, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई माँ बाबूजी का प्यार नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर उनकी पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड़ प्यार मिला था। बाद में छोटा भाई पैदा हुआ तो मौसी की हालत और भी ख़राब हो गई। एक तरह से वे नौकरानी जैसी ही हो गई थी। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पर पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया, फिर तो उनकी बहुत पिटाई हुई थी। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई, पर ससुराल में भी मौसी के दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला उनका पति। दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती, फिर भी कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। मायके वालों ने शादी के बाद ही उनसे कोई मतलब नहीं रखा, बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। रोहित भी बराबर में बैठे सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ में उसके नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था वो, और मौसी उसे गला लगा लेती थी। उसे बहुत ही प्यार करती थी मौसी। माँ बताती हैं, एक बार जब मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला वो गर्भवती हैं। उस दिन से वो बहुत खुश रहने लगी थी। उन्हें यही लगने लगा था अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। फिर उनके घर आया उनका प्यारा बेटा रोशन। अब सास की चिल्लपों, पति का कर्कश व्यवहार, नंद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी खुशी में ही मगन अब दूसरी दुनिया में रहने लगी थी। रोशन पढ़ने में बहुत अच्छा था, बड़ा होकर बैंक में अफसर हो गया। तभी एक बहुत बड़ा झटका मौसी को लगा, जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी वो। कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। वो खुद ही बहुत टूट सा गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मैं हूँ ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था भेंट में, ताकि जब चाहे उनसे बात कर सके। उधर उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया, हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटी की खुशी के लिए बड़े प्यार से बहू घर लेकर आईं, पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था, भाई भी आवारा ही था, वो तो हर वक्त घर में ही डेला डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार। मौसी दिन रात काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो
बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही, पहले अपने माँ बाप से, फिर सास से, अब बहू से, कभी तो एडजस्ट करना सीखो, कुछ समझती ही नहीं हो आप। मौसी घुटकर रह गई। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए, वो सबसे भारी वक्त था उनका, काम भी सारा करती, ऊपर से बहू के इल्ज़ाम, इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रोशन की बुआ जी का भी संरक्षण प्राप्त था। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज़ ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघाड़ जाती कि क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने में जुटी रहती, कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए काम में लगी रहती, पर जिस दिन से दूध जैसा पोता घर आया, उस दिन से मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी, पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने से मना कर दिया। अब बहू की माँ भी इसी घर में रहने लगी थी बेटी की देखभाल के नाम पर सारा काम मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था, अब उनसे इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही, पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया, जरा सा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। यह सब सुनकर बहुत रोई थी मौसी, और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद ही मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश घर लेकर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं आज तक, रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई, घर के लिए बस अभिशाप ही रही। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभिशाप मौसी के लिए वो घर रहा या मौसी उस घर के लिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा, तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।